वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के 5 तरीके। जी हाँ दोस्तों, आपको एक दो तरीके तो पता होगा, लेकिन मैं आपको 5 तरीके बताने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हम एक ब्राउज़र खोल लेते हैं और एक ये टेक्स्ट की फाइल खोल लेते हैं। देखिए, सबसे जो पहला तरीका है उसके अंदर जो माउस है, उसका जो लेफ्ट बटन है, उसको हम प्रेस करके मतलब खींचेंगे तो पूरा ये टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। ये आपके ब्राउज़र के अंदर भी हो जाएगा, नोटपैड के अंदर भी हो जाएगा, एमएस ऑफिस के अंदर भी हो जाएगा, यानी जहाँ जहाँ टेक्स्ट है वहाँ पर ये तरीका काम करेगा। दूसरा तरीका ये है कि अगर किसी भी टेक्स्ट पर डबल क्लिक करते हैं तो अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। मतलब आपको जो लेफ्ट बटन है वो दो बार दबाना है, ब्राउज़र के अंदर और आपके नोटपैड या एमएस ऑफिस के अंदर। तीसरा तरीका है अगर आप 3 बार क्लिक करते हैं फटाफट, तो पूरा जो पैराग्राफ वो सिलेक्ट हो सकता है। मतलब आपको जो फटाफट दबाना है 3 बार जो माउस का लेफ्ट बटन है, इससे आपका पूरा सेंटेंस या पैराग्राफ वो सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए, ये नोटपैड के अंदर काम तो नहीं करेगा, लेकिन एमएस ऑफिस और ब्राउज़र के अंदर ये काम करेगा। अभी हमें मैं आपको कीबोर्ड से कैसे सिलेक्ट करते हैं उसके बारे में इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। देखिए, कीबोर्ड में सिलेक्ट करने का सबसे आसान तरीका है जो कंट्रोल बटन है ना, कंट्रोल प्लस ए दबा दीजिए, पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। ब्राउज़र के अंदर भी हो जाएगा, नोटपैड एमएस ऑफिस उसके अंदर भी हो जाएगा। ये सबसे बेस्ट तरीका है पूरा टेक्स्ट सेंटेंस सेलेक्ट करने का। दूसरा और सॉरी दोस्तों, पांचवा तरीका ये है कि जो हमारा टेक्स्ट है ना, शिफ्ट बटन के साथ जो एरो बटन है डाउन अप, उनके साथ हम अगर आगे वाला एरो दबाते हैं तो धीरे धीरे टेक्स्ट सेलेक्ट होगा, और नीचे भी दबाएंगे इसके साथ तो लाइन की लाइन सेलेक्ट होगी। ये आपके ब्राउज़र में भी काम करेगी और जो आपका नोटपैड एमएस ऑफिस जो भी है उसके अंदर भी ये काम करेगी। इसके अंदर ये फ़ायदा है दोस्तों, आसानी से एक क्लिक सेलेक्ट कर सकते हैं, लाइन भी सिलेक्ट कर सकते हैं और बैक भी जा सकते हैं, अप भी जा सकते हैं, तो इस प्रकार ये वर्क करेगा। तो ये दोस्तों मैंने आपको 5 तरीके बताए हैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए आपके विंडोज़ कंप्यूटर के अंदर। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू।